हेलो दोस्तो, दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज तुलसीदास जी का एक दोहा बढ़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलो मैं शुरू करती हूँ आबत ही है हर्षे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वहां न जाइए कंचन भर से मेघ सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ देख लीजिए आवत का मतलब होता है आने से मतलब हृदय या मन नैनन का मतलब होता है आंखें और कंचन का मतलब होता है सोना या धन संपत्ति तो पहले मैं धोए का आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा देखिए आबत ही हर्षे नहीं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आबत मतलब आने से ही है मतलब हृदय या मन हर्षे मतलब होता है खुशी हर्ष नहीं कि आपके आने से यदि किसी के हृदय में खुशी नहीं है नैनन मतलब आंखों में नहीं सने सने का मतलब होता है स्नेह या प्रेम कि उसकी आंखों में आपके प्रति प्रेम नहीं है तुलसी वहां ना जाइए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहां यानी नहीं जाइए नहीं जाना चाहिए कि उस जगह नहीं जाना चाहिए जिस जगह आपको आदर सत्कार ना मिले आपके जाने से उसके मन में खुशी ना हो कंचन बरसे मेघ चाहे कंचन का मतलब है सोना या धन संपत्ति बरसे यानी बरसती हो मेघ का मतलब यहाँ पर बारिश से है कि चाहे वहां पर सोने की कितनी भी बारिश हो रही हो इसका मतलब है कि चाहे वे लोग कितने भी अमीर हो पैसे वाले हो चाहे उनके पास कितना भी धन हो लेकिन अगर आपका आपको वहाँ पर आदर सत्कार ना मिले उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम ना हो तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए अब इसका भावार देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर बहुत धन हो आलिशान घर हो परंतु वहाँ आपका आदर सत्कार ना हो और आपके प्रति किसी के हृदय में प्रेम ना हो तो आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए आशा करती हूँ कि आपको दोहा समझ में आ गया होगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए धन्यवाद